तो हेलो गाइस, तुम्हारा फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू मैं करीना के गेम प्ले वीडियो में। एंड ये गेम प्ले वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी, और मैं डिस्क्रिप्शन में बात सारी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने गेम प्ले वीडियो को। एंड आज हम बताने वाले हैं कि आप RS का जो नया इवेंट है वो कैसे कम्प्लीट कर सकते हो, और एक जो नया मैप है 2 आर्क्स वाला, इसको भी कैसे बिना कोई ज़्यादा मेहनत के इसको आप कैसे इसके मास्टर बन सकते हो। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास सिर्फ इतने ही मैक्स या रोबोट्स हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको 2 आर्कस वाले मैप का हीरो बनना है तो आपको लॉन्ग आर्म, जेवलिन रैक या रॉकेट मोटर ही चाहिए होगा। तो मैं तो रॉकेट मोटर 12 एंड RS मैं तो इन्हें ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि रॉकेट मोटर 12 मैं करीना का सबसे पावरफुल वेपन है। तो अब हमारे पास गार्डियन भी हैं, लेकिन उसको नहीं यूज़ कर सकते हम, न जगरनट को, इतना लेवल अप जगरनट है इसको भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि RS के पास है आगे वाइड शील्ड। क्या बोले जा रहा हूँ, तो चलते हैं अगले मैच में। बस अभी जगरनट अपग्रेड करना है एंड उसमें फिर मिसाइल 8 लगेगा। मिलते हैं मैच के अंदर, गुड बाय। तो यहाँ पर मैच जो है स्टार्ट, एंड मैंने RS से 1 किल पहले ही कर दिया है एकदम। एंड आपको यहाँ पर देखना है जो मैप में बीच में आ जाते हैं मैक्स, आपको सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि उनकी हेल्थ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि हमारे टीम मेट उनकी हेल्थ कम कर देते हैं। एंड आपको सिर्फ उन्हीं को देखना है जो हेल्थ कम हो। एंड जैसे ही यहाँ पर ग्रुप में 3 या 2 मैं इकट्ठे हों, आपको रॉकेट मोर्टर चला देना है उसी समय। पर आपको यहाँ पर पीछे खड़े होकर चलाना है रॉकेट मोर्टर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी। यहाँ से आपको कोई भी नहीं उड़ा सकता, लॉन्ग आर्म की भी रेंज इतनी नहीं है कि वो आपको उड़ा दे। बस आपको आगे पीछे का ध्यान रखना है, जो कि आपके टीममेट्स रख लेंगे आराम से। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीच में जो 2 ब्रिज हैं, इनके नीचे अगर कोई मैक होगा तो इसे रॉकेट मोर्टर नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ब्रिज के नीचे वाले मैक के ऊपर रॉकेट मोर्टर नहीं चलाओ। एंड आपको किल शॉट या लेंसर के ऊपर तो चलाने में तो बहुत ज़्यादा फास्ट भाग जाते हैं, एंड शेडो के ऊपर चलाने की बात नहीं आती, हो तो मिलते ही नहीं है रॉकेट मोर्टर को। तो बस इन्जॉय द गेम प्ले।
गाइस गाइस जैसे आपने देखा रॉकेट मोर्टार का डैमेज कितना गया, 17K एंड 8.5K ऐसा सर डैमेज गया ना रॉकेट मोर्टार का। तो बस आप एरस में रॉकेट मोर्टार लगा के इतना डैमेज कर सकते हो एंड अपना इवेंट ही आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैंने सिर्फ अभी तक 8-10 मिनट खेल लिया है और मैं 3 क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ इस इवेंट की, एंड आरएस की 2 अचीवमेंट भी कंप्लीट हो गई हैं। ऐसे आप आरएस की वो लास्ट में जो स्किन आती है ब्लू न्यू स्किल वो भी आराम से ले सकते हो। एक बार देख लो आरएस पे कितनी कूल लगती है, मैं तो पक्का उसको लूँगा ही, इतनी कूल स्किन है वो। तो यहाँ पर आप शील्ड ऑन कर आरएस का डैमेज करते रहना, जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स से ये स्किन मिलेगी जो कि ऑसम है। तो अब चलते हैं जेवलिन रैक 4 एंड लैंसर वाली ट्रिक की तरफ।